सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाइपर राजा गेमिंग। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? आई नो गाइस, ये वीडियो भी कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया माइनक्राफ्ट का, एंड उसके लिए यार मुझे माफ़ कर देना। देखो रीज़न मैं अभी आपको बता देता हूँ, वरना फिर आप बताओ बोलोगे कि नहीं बता। देखो एग्जाम्स चल रहे थे एंड वो तो भाई अक्सर चलते रहते हैं, एंड माइनक्राफ्ट का मेरे को एक एपिसोड बनाने के लिए ना थोड़ा बहुत लॉन्ग गेम प्ले करना पड़ता है, समझ रहे हो, एंड मैं उतना लॉन्ग गेम प्ले नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैं माइनक्राफ्ट की वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, एंड उसके लिए माफ़ कर देना। बट गाइस अब से यार मतलब हर वीक कम से कम मिनिमम भाई 2 माइनक्राफ्ट के एपिसोड आएंगे, एंड मैक्सिमम मैं नहीं बता सकता हूँ, मतलब मिनिमम मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक वीक में माइनक्राफ्ट के 2 एपिसोड तो आए ही आए। एंड आज भाई हम लोग क्या करने वाले वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। सो गाइस आज मैं देखो मैंने कुछ डिफरेंट करने का सोचा है। देखो अभी मैं एंडर ड्रैगन को तो नहीं मार सकता, क्योंकि उसको मारने के लिए भाई मेरे को चाहिए नेदर वार्ड, जो कि मेरे को नहीं मिले, क्योंकि नेदर फोर्ट्रेस में भाई अपना किस्मत बहुत ही ज़्यादा टट्टी था। इसलिए गाइस मैंने सोचा है क्यों ना एडवेंचर पे चले। यस गाइस हम लोग फिर से एडवेंचर पे जाने वाले हैं, एंड थोड़ा बहुत और लूट करके आए, समझ रहे हो, एंड एडवेंचर से आने के बाद थोड़े बहुत और काम है वो भी करेंगे। एंड एज यू कैन सी गाइस अभी मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो चुका हूँ एडवेंचर पे, एंड आज की इस वाले एपिसोड में हम लोग चलने वाले गाइस एडवेंचर पे, तो चलो यार चलते हैं। ओके सो गाइस अभी हम लोग चलते हैं भाई फटाफट से, थोड़े बहुत सामान उठाते हैं एंड निकल पड़ेंगे भाई एडवेंचर पे। वैसे ऑलरेडी गाइस मैंने सारे सामान जो है कलेक्ट कर लिया है, एंड मैं आपको बता भी दूंगा कि क्या क्या कलेक्ट किया है। ये देखो गाइस ये जो एंडर चेस्ट है ना, ठीक है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे सामान रखे, जैसे कि मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो इसको ओपन करते हैं, एंड गाइस मैं पहले आपको दिखाता हूँ, ये देखो यार मेरे आर्मर्स इसमें, अरे ये क्या हो रहा है गाइस, देख रहे हो डबल टैप करने पर आर्मर ऑटोमेटिक इक्विप हो जा रहा है और रिमूव हो जा रहा है। आई थिंक ये सिस्टम पहले नहीं था यार, मैं खुद इसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अपडेट के बाद ऐसा हुआ है शायद, या फिर पहले से होगा मैंने कभी नोटिस नहीं किया होगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने आर्मर पे डबल टैप कर रहा हूँ वैसे ही ये निकल जा रहे हैं। एंड देखो यार कुछ ज़्यादा खास इंचेंटमेंट्स नहीं लगे, मैंने आपको दिखा दिए प्रोटेक्शन ये सभी लगे हुए हैं। एंड देखो शील्ड पहन लेता हूँ भाई गाइज, एंड अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इस एंडर चेस्ट के अंदर क्या है। तो इसके अंदर है गाइज मेरे सारे डायमंड के टूल्स, थोड़े बहुत फूड है, एक स्टैक आयरन रखा हुआ है मैंने, एंड पिकैक्स, ये सब तो मतलब नॉर्मली चीज़ें हैं। ओके एंड मैं एक और अंडर चेस्ट बनाया है, इसको मैं अपने साथ लेके चलूँगा एडवेंचर पे, एंड जहाँ पे मेरे को चीज़ों की कमी पड़ेगी ना तो मैं अपने इसके अंदर से निकाल लूँगा सामान। ओके गाइज एंड दो अंडर चेस्ट भाई आपस में कनेक्टेड रहते हैं, मतलब मान लो एक ही अंडर चेस्ट होता है बट वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। एंड अभी हम चलने वाले गाइज एडवेंचर पे, मैं सोचा था अपने साथ भाई अपने किसी वुल्फ को लेके जाऊँ, बट फिर यार वही हो जाएगा ना, अगर गलती से भी मारा गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं चाहता मैं कि मेरा कोई पेट मरे। एंड मैं अपने साथ भाई अपने रॉजर को लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि देखो घोड़ा है एंड उसको अगर यूज़ नहीं करूँगा तो कुछ मतलब नहीं है। एंड गाइस मुझे किसी भी तरह ना मैसा बायोम शायद यही कहते हैं उसको ढूंढना है, क्योंकि उससे जो ब्लॉक्स मिलते हैं ना उससे हम अपने घर को ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन कर पाएंगे, तो उसको भी ढूंढने का ट्राई करेंगे। एंड आज भाई हम अपने रॉजर को फर्स्ट टाइम एडवेंचर पर लेके जाने वाले हैं, तो भाई तू तैयार है ना? वैसे तैयारी होगा, मैं इसके लिए थोड़े बहुत सामान लेके आता हूँ, जैसे कि मेरे को ज़रूरत है भाई एक लीश की, और लीश के साथ क्या चाहिए था भाई, हाँ फेंस, एक फेंस चाहिए ताकि मैं कहीं भी इसको बांध सकूँ। तो नीचे चलते हैं, वेट चले जा भाई। ओके तो अभी मैं फटाफट से लीश ले लेता हूँ जो कि इस वाले चेस्ट में होगा, नहीं यहाँ, अरे मेरे इन्वेंट्री भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है लॉल, बट कोई नहीं फेंस ले लेते हैं भाई। गाइस यहाँ से हम एक फेंस उठा लेते हैं, चलो फेंस भी उठा लिया है। अभी गाइस हम निकलते हैं फटाफट से एडवेंचर की तरफ, एंड अपने घोड़े को भी ले लेते हैं चलते भाई। ओके गाइज मैंने अभी तक आपको अपने घोड़े की स्पीड भी नहीं दिखाई, आज आप लोग को पता चलेगा। एंड गाइज मैंने अपने सारे टूल्स भी रिपेयर कर दिए, ये देखो भाई अपना आयरन का पुराने वाला स्वॉर्ड जिसको मैंने पूरी तरह से रिपेयर कर दिया है, एंड पिकैक्स को भी थोड़ा बहुत रिपेयर किया है मैंने। ओके निकल जा भाई, अरे यार ये ऐसे नहीं निकल पाएगा, मेरे को खोलना ही पड़ेगा पूरा का पूरा। चलो गाइज यहाँ पे अपना घोड़ा निकल चुका है, एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग किस साइड जाने वाले हैं। ओके गाइज सो वेट अ सेकेंड, मैं पहले यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो लास्ट टाइम गाइज हम अपने पीछे के साइड गए थे, अपने घर के पीछे के साइड है ना उधर गए थे। एंड वेट अ सेकेंड यार मैं अपने घोड़े के लिए कुछ खाना ले लेता हूँ, वरना बाई चांस अगर इसको डैमेज वैमेज पड़ गया तो इसकी हेल्थ इंक्रीज करनी पड़ेगी ना फिर। आई थिंक घोड़ा वीट खाता है ना, या फिर हेवेल खाता है, नहीं वीट ही खाता होगा ना, चलो वीट ही लेके चलते हैं। तो 28 वीट सही रहेंगे, तो वीट ले लिया गाइस मैंने अपने हॉर्स के लिए। बाई चांस अगर उसको मान लो हेल्थ वेल्थ कम हो गई तो शायद वो वीट खाता होगा, मुझे पता नहीं उतना। तो चलो यार अपने घोड़े पे बैठते हैं एंड चलते हैं यार। ओके चल भाई खुल जा, निकल ले।
ओके गाइज, अभी हम लोग मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम किस साइड जाने वाले. सो लास्ट टाइम गाइज मैं पीछे के साइड गया था, अपने घर के पीछे के साइड. एंड इस बार हम जाने वाले भाई सामने के साइड, अपने घर के सामने के साइड. एंड यार ये पनौती क्या है यार. देखो गाइज अभी मैं एडवेंचर पे निकल ही रहा था एंड यहाँ पे रात हो रही है, तो मुझे फटाफट से भाई अपने घर पे जाके सोना पड़ेगा. एंड गाइज मैं आप लोग से मिलता हूँ भाई अगले दिन, मतलब नाइट को स्किप करते भाई फटाफट से. ओके सो चलो गाइस अभी सुबह हो चुके हैं, अभी हम लोग फटाफट से निकलने वाले एडवेंचर पे एंड मैं पूरी तरह से तैयार हूँ. और गाइस जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था भाई हम इस साइड जाने वाले. ओके सो इसी साइड में चलते रहने वाला हूँ. एंड इधर लिटरली बता रहा हूँ भाई घोड़े को लेके जाना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला है, क्योंकि पेड़ है देखो इतने सारे, इसमें से भाई कहीं कहीं पे घोड़ा फंस जाएगा. एंड पानी भी बीच में आ गया यार, अभी तो मेरे को इसको बांध के लेके जाने वाला है. एंड ऐसे ही भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं गाइस. एंड अभी मैं कंटिन्यूसली भाई सीधे चलते रहूँगा जब तक मेरे को कुछ मिल नहीं जाता. एंड इतने पार्ट को भाई मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं. गाइज मैं यहाँ पे जा रहा था एंड मेरे को यहाँ पे भाई एक एक्सोलॉटल दिखा है एंड इसको मेरे को किसी भी तरह पकड़ना है भाई. इसके लिए मेरे को यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, बट यार अपने हॉर्स को भी तो लेके जाना पड़ेगा ना, इसको छोड़ दूंगा तो भाई कहीं पे भाग जाएगा, तो इसलिए मैं इसको पकड़ने वाला हूँ. आ जा भाई. अरे यार ये तो और दूर चला गया. वेट अ सेकेंड, मुझे अपने पहले हॉर्स को लेके आना पड़ेगा, वरना एक ही हॉर्स है वो भी यार इसके ऊपर डायमंड का आर्मर लगा हुआ है एंड मैं नहीं चाहता ये भाई यहाँ से खो जाए. अच्छा भाई यहाँ पे रुक जाओ गाइज, मेरे को ये सारे के सारे ट्रीज जो है हटाने पड़ेंगे. एंड आई थिंक भाई मैं ये एक्सोलॉटल इसका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ. एंड ये हॉर्स भी पता नहीं आधा पागल हो चुका है लगता है. ओके आ गया. एंड ये एक्सोलॉटल देख रहे हो भाई खुद चल के अपने हमारे पास आ गया, लगता है यार ये भी चाहता है कि हम इसको लेके चले. एंड गाइज यहाँ पे भाई मेरे को मिल चुका आइस बायोम. एंड ये ज़्यादा दूर नहीं था यार मेरे घर से, मैं जस्ट अभी सीधे लाइक 5-6 मिनट से चल रहा हूँ एंड मेरे को ये मिल भी गया. ओके तो अभी भाई अपने घोड़े पे बैठते हैं, इसकी रस्सी निकालते हैं, लेट्स सी गाइस हमको आइस बायोम में क्या क्या मिलता है. एंड अभी गाइस चलते रहते हैं. एंड मेरे को ना कुछ इग्लू ऐसा कुछ मिलता है आइस बायोम में, वो मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा. लेकिन उसको शायद कुछ और कहते हैं, मैं गलत नाम ले रहा हूँ शायद से उसका. अभी गाइस देखो पूरा आइस बायोम है एंड कतई ओपी नज़ारा है. एंड अभी तो और आगे चलना है. यहाँ पे पम्पकिंस है गाइज, एज यू कैन सी इधर पम्पकिंस है. वैसे मेरे घर पे पम्पकिन की भाई कमी नहीं है, इसलिए मैं नहीं लेके जाने वाला हूँ. एंड सामने देख रहे हो गाइज, वेट अ सेकेंड, मैंने वहाँ पे भाई देखा एक मस्त नज़ारा दिख रहा है सामने, चलो वहाँ पे चलते हैं. एंड गाइज ये देखो यहाँ पे भाई बहुत सारे आइस के कुछ बने हुए हैं स्ट्रक्चर टाइप के. एंड ये क्या ही लग रहा है यार. रुको गाइज यहाँ पे चल के पहले अपने घोड़े को बांधते हैं. इधर से मैं थोड़ा बहुत आइस लेके जाने वाला हूँ. मेरे अंडर चेस्ट में भाई सिल्क टच की पिकेक्स पड़ा हुआ है. एज यू कैन सी गाइज ये जगह कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है यार. ओके सो गाइज इधर देख ही सकते हो आप लोग क्या ही नज़ारा है. वेट मैं यहाँ पे उतर जाता हूँ, अपने घोड़े को बांध देते हैं फटाफट से. एंड यहाँ पे थोड़े बहुत आइस लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि आइस भाई बहुत जगह पे काम आता है कभी कभार. इसको बांध देते भाई, रुक जा किधर भाग के जा रहा है. ओके इसको बांध देते हैं गाइज. अभी भाई हम लोग यहाँ से बहुत सारे आइस निकाल के लेके जाने वाले, जिससे हम भाई स्नो गोलम शायद यही कहते हैं उसको, उन लोग को स्पॉन कर पाएंगे अपने घर के पास. तो इधर से मैं थोड़े बहुत ये लेके जाने वाला हूँ स्नो, जो कि शवल से ही निकलते हैं. तो ये सब निकाल लेते कुछ इस टाइप से एंड इनके फिर ब्लॉक्स बना लेंगे अपन, ठीक है. एंड एक अगर हम एक स्नो गोलम भी बना लेना तब भी हमको अनलिमिटेड आइस मिल जाएगी, ठीक है. आइस नहीं भाई स्नो मिलेगी, आइस नहीं स्नो मिलेगी. आइस तो हमको सिल्टर से निकालना पड़ेगा. एंड वेट अ सेकंड, मैंने तो सारे बनाए थे ना. हाँ बन गए भाई, क्या ही ग्लिच खा रहा है ये. लॉल गाइस अभी मेरे को निकालने भाई यहाँ से आइस, जो कि सिल्क टच से ही टूटेगी. तो ये रहा भाई अपना चेस्ट, मैं शील्ड क्यों नहीं लगाया भाई अभी तक. ओके एज यू कैन सी गाइस ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है एंड पूरा का पूरा भाई ये जगह कतई तगड़ा लग रहा है. मेरे को एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए यार इसका, मेरे को ये जगह बहुत ही ज़्यादा ओपी मतलब ब्यूटीफुल लग रहा है. तो एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम इसका एंड क्लिक हो जा भाई. चलो एक स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने. एंड अभी भाई हम यहाँ से थोड़े बहुत वो भी निकाल लेते हैं आइस. तो उसके लिए भाई मेरे को अपना एंडर चेस्ट लेना पड़ेगा एंड उसमें से सिल्क टच की पिकेक्स निकालनी पड़ेगी, जो कि ये रहा सिल्क टच 1. वैसे 1 ही रहता है भाई. अभी यहाँ से सारे के सारे जो आइस है इन सबको ले लेते हैं. एंड ये कौन से आइस है रुको बाद में देखेंगे. अभी ये पूरा का पूरा एक जो है ना, जैसे इनको मैं क्या कहूँ गाइस आप लोग कॉमेंट में बताना इनको क्या कहते हैं यार, ये जो पिलर जैसे बने हुए आइस के बहुत सारे. ओके तो भाई मैंने इसको पूरा का पूरा छोड़ दिया है यहाँ पे एंड मेरे को बहुत सारे आइस मिल चुके हैं शायद. तो इसका नाम है भाई पैक्ड आइस एंड इसका नाम है स्नो, जो हमने शवल से निकाला था. तो इनके अलग अलग नाम होते हैं भाई, कोई नहीं हम स्नो बायोम में आ गए हैं. एंड अच्छा ये यार, एंड वेट अ सेकेंड, मेरे को एंडर चेस्ट तो मिल चुका है बट अब मुझे ये सिल्क टच का पिकेस अपने साथ ही लेके घूमना पड़ेगा. कोई नहीं चलो रख लेंगे, इसमें क्या है, खाना खा लेते हैं गाइज. अभी ये पूरा स्नो बायोम है एंड अगर स्नो बायोम में रात हो रही है भाई, नहीं नहीं थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है,
तो यहाँ पे बैठते हैं अपने घोड़े पे। वेट, इसको बांधना नहीं है, मेरे को इसे तोड़ना है पहले। गाइज अभी अगर स्नो बायोम में हम थोड़ा बहुत और घूमें ना तो हमको और चीज़ें मिल सकती है। तो अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली घूमने वाला हूँ एंड विलेज मिल गया ना, लिटरली बता रहा हूँ। अगर मेरे को अभी तक भाई स्नो बायोम में विलेज स्नो बायोम ही नहीं मिला था भाई, स्नो बायोम में विलेज कैसे मिलेगा। तो स्नो बायोम वाला विलेज मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। ओके मैं ट्राई करूँगा भाई ढूंढने की, एंड अगर मिल गया तो क्या ही बोले यार। तो यहाँ से भाई नीचे कैसे उतारूँ इसको, चलो ऐसे ही उतारते हैं। तो गाइस यहाँ पे अपन नीचे आ चुके हैं एंड अभी ये क्या है भाई, छोटा सा शेल्टर टाइप का है। गाइस किसी भी तरह मेरे को स्नो बायोम का विलेज ढूंढना है, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया है स्नो बायोम का विलेज, आज भाई एक्सप्लोर करके रहेंगे। मतलब मिल जाए भाई, हमारे लक के ऊपर डिपेंड करता है एंड देखते हैं अपना लक कैसा है। मेरा लक तो वैसे यार सिर्फ एक ही चीज़ में ख़राब है एंड वो है नेदर में। यहाँ पे भाई लक अच्छा हो तो अच्छा ही रहेगा, लेट्स सी गाइस। तो यहाँ पे देखो दो रास्ते जा रहे हैं, एक है इस तरफ एंड दूसरा वाला है इस तरफ। तो मैं इस तरफ जाना प्रेफर करूँगा, इधर जाने का सोच रहा हूँ, बट इस तरफ मेरे को ज़्यादा खुला एरिया दिख रहा है ना गाइज, तो यहीं पे चलेगी। एंड स्नो बायोम में ये भी अच्छा है यार, पानी अगर आ जाए ना तो वो बर्फ़ हुआ रहता है जिससे अपना घोड़ा आराम से चल पाएगा, वरना हमको तो उसको भाई फिर से लीश से बांधो एंड लेके आओ। चलो यहाँ पे चलते रहते हैं, ये देखो भाई आराम से मतलब यहाँ से जा सकते हैं हम, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। गाइज विलेज मिल जाए, ओ वेट अ सेकेंड गाइज, मेरे को यहाँ पे विलेज मिल चुका है एंड चलो भाई मिल ही गया आखिरकार एंड बहुत जल्दी मिल गया है लिटरली। अभी हमको स्नो बायोम में एंटर हुए कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है एंड हमको विलेज में मिल गया, तो अच्छी बात है गाइज। ये देखो पूरा विलेज है एंड देखते हैं कितना बड़ा विलेज है गाइज। अभी हम इस पूरे विलेज को एक्सप्लोर करने वाले एंड एज यू कैन सी गाइज, ये बहुत ही बड़ा विलेज है यार, छोटा मोटा विलेज नहीं है, देख सकते हो गाइज बहुत बड़ा विलेज है ये। एंड आयरन गोलम भी उधर घूम रहा है भाई, उसी से तो दुश्मनी है अपनी और किसी से नहीं। मतलब इस विलेज का आयरन गोलम हमको तब तक नहीं मारेगा जब तक हम किसी विलेजर को नहीं मारते। एंड ये देखो भाई स्नो का पूरा घर है एंड मेरा घोड़ा दो ब्लॉक तक नहीं कूद पाता क्या आधे। मतलब गाइस आई थिंक दो टाइप के घोड़े होते हैं, एक होते जो बहुत ज़्यादा स्पीड होते मतलब फास्ट होते एंड एक होते जो ऊँची छलान लगाते, शायद ऐसा ही कुछ होता है। एंड एक टाइप का घोड़ा और होता है जिसकी हेल्थ कम होती है शायद, मेरे को उतना कुछ पता नहीं है। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ अपने घोड़े को बांधूँ किधर, तो किसी घर के अंदर रख दूँ क्या, नहीं यार फिर विलेजर डोर खोल देंगे तो भाग जाएगा ये, तो कोई जगह ढूंढते हैं। वेट अ सेकेंड, ये जगह मस्त लग रहा है, यहाँ पे देखो बैंटिन ट्रेडर भी खड़ा है, तो इधर लामास भी है, तो अपने घोड़े को भी मैं इधर ही बांधने का सोच रहा हूँ। सो गाइस मैं अपने घोड़े को इधर ही बांधने वाला हूँ। आई नो यार उतना प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है यहाँ पे, इसको इतनी रक्षा नहीं मिलेगी, बट छोड़ो जाने दें। तो यहाँ पे भाई एक घर है, चेस्ट भी मिल गया, रुक जाओ इस चेस्ट में देखते क्या है। लेट्स सी, कोल भाई शर्म करो यार, कुछ कोल रख रहे हैं। मैं यहाँ पे भाई क्या क्या उम्मीदें लेके आया हूँ एंड इन लोग कोल दे रहे हैं मेरे को, इधर सो जाओ क्या। चलो भाई सो ही जाते हैं एंड अभी भाई पूरा का पूरा विलेज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलो गाइस विलेज एक्सप्लोर करते हैं एंड सुबह हो चुके हैं, बहुत सारे रैबिट्स भी घूम रहे हैं यहाँ पे। एंड ये जो घर है ना गाइस ऊपर वाला, वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट आई थिंक ये यहाँ के सरपंच का घर होगा। एंड ये गोलेम यहाँ पे घूम रहा है, चलो घूमने दो कोई नहीं, और गोलेम भाई मारेगा तो नहीं ना तुम्हें। देखो गाइस यहाँ पे एक रुइनड पोर्टल भी है गाइस, देख रहे हो एक रुइनड पोर्टल भी है, बहुत बड़ा केव भी है इधर। वैसे मेरे को क्या भाई पोर्टल के लूट में देखते क्या है। एंड ये देखो गाइस यहाँ पे, अरे भाई डैमेज कहाँ से मिला, लावा भी है देख रहे हो गाइस, ऑब्सीडियन सब कुछ पड़ा हुआ है। वैसे मैं अभी वेट अ सेकेंड, वहाँ पे गाइस पांडा मतलब बियर भी है, पता नहीं उसको स्नो बियर कहते हैं शायद, वो भी है। ओके सो यहाँ पे चेस्ट भी मिल चुका है हमको, इस चेस्ट में देखते क्या है। वेट अ सेकेंड, ये तो भाई इस ओके सो यहाँ पे हमको एक स्वॉर्ड मिला है, एक पैंट मिला है मतलब लेगिंग्स जो भी कहते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा लूट तो मिल चुका है हमको। वेट अ सेकेंड, ये बन नहीं सकता गाइस, ये रूनेड पोर्टल कुछ ज़्यादा ही टूटा हुआ है गाइस। देख रहे हो विलेजर्स आउटपोस्ट भी यहाँ पे, भाई क्या ही लकी विलेज है यार हमारे लिए, विलेजर आउटपोस्ट भी है, रूनेड पोर्टल भी है एंड स्नो विलेज भी है। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे भाई केव ही केव है, कुछ ज़्यादा केव नहीं है क्या, मतलब गड्ढे ही गड्ढे हो रखे हैं। तो यहाँ पे पिलेजर आउटपोस्ट को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। एक्सप्लोर करने तो अभी मैं नहीं जाने वाला हूँ वहाँ पे, क्योंकि फालतू में अगर मान लो उनके हेड को मैंने मार दिया तो इस विलेज में भाई रेड पड़ जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हो, क्योंकि अभी रेड से फाइट लेने का कुछ इरादा नहीं मेरा भाई। वो जादूगर बहुत दिमाग ख़राब करता है लिटरली बता रहा हूँ, लास्ट टाइम उसने मेरे को 3-4 बार मारा था। एंड यहाँ पे गाइस अभी लूट करना हम स्टार्ट करते, इस घर पे हम फर्स्ट गुजरे। यहाँ पे तो भाई डबल रूम है, ये बहुत ओपी रूम है वैसे, मतलब ब्यूटीफुल रूम है। इस पे देखते हैं इसमें कुछ लूट मिलेगा। ओके चेस्ट तो दिख रहा है, कुछ अच्छा ही हो। ब्रेड यार शिट गाइस, दो ब्रेड दे रहे सिर्फ, मतलब हद है यार। तो यहाँ से दो ब्रेड ही मिले, चलो कोई नहीं, दो ब्रेड से अपने काम चला लेंगे। मतलब कुछ ना मिले से अच्छा है भाई कुछ मिल जाए। एंड यहाँ पे कितने गड्ढे हैं भाई, ये विलेजर लोग रहते कैसे इस जगह पे।
ओके, ये लाइब्रेरियम का रूम है एंड ये रूम भाई कतई ओपी है। देख रहे हो गाइज, सिंपल विलेज के लाइब्रेरियम के रूम से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट एंड यूनिक है। बहुत सही भाई, यहाँ से वैसे मैं जब घर जाऊँगा ना, यहाँ का लेक्टर लेके चला जाऊँगा, मेरे वहाँ एक लाइब्रेरियम मिल जाएगा मेरे को। एंड इस साइड चलते हैं, इधर क्या है, ये वाले घर को लूटते गाइज अभी हम। वेट, ये क्या हुआ भाई? अच्छा, मैं शायद स्लिप खा गया। इस घर में क्या है? अरे यार ये क्या है, नहीं इसमें तो चेस्ट ही नहीं है। लॉल गाइज, इसको बंद करो और थोड़ा घूमते हैं। एंड मैं नहीं चाहता भाई गलती से भी ये गोलेम मेरे ऊपर अटैक कर दे। यहाँ पे गाइज ब्लास्ट फर्नेस है एंड एक चेस्ट भी है। चेस्ट में क्या है? ब्रेड। भाई हद है यार, मैं खुद पोटैटो का 3-4 स्टैक लेके आया हूँ भाई, खाने की कमी नहीं है। एंड ये लोग मेरे को ब्रेड दे रहे हैं भाई। लो, और क्या चाहिए भाई, ब्रेड ही ब्रेड दे दो ना भाई। ओके, ये वाले घर को लूटते हैं। एंड वेट अ सेकंड, मेरे को अभी गाइज एक रवेन दिखा। ये देखो गाइज, यहाँ पे एक रवाइन है, जो भी इसको कहते हैं, आरे मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ उसको अच्छे से। ओके, सो गाइज यहाँ पे एक रवेन है, शायद यही कहते हैं इसको, मेरे से इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, सॉरी भाई। हम चलते ऊपर, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे गाइज। एंड मेरे को मेरे इस वर्ल्ड का ये दूसरा रवेन है जो मेरे को मिला है। लास्ट टाइम ये मेरे को वहाँ पे मिला था, क्या कहते हैं यार उसको, पीछे के साइड जब हम एडवेंचर पे गए थे ना, जब विलेजर्स को ला रहे, आपने अगर वो एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा, उसमें मिला था हमको। एंड अभी मैं यहाँ से जाऊँ कैसे यार उस साइड, बीच में भाई गड्ढे ही गड्ढे हैं। एक काम कर सकता हूँ मैं, ये तोड़ देता हूँ ना, सिल्क टच की पिकैक्स से तोड़ूंगा ताकि इसको फिर से रिपेयर कर दूँ। चलो, अरे भाई इसके अंदर तो एक विलेजर है, इस चेस्ट में देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इस पर भी ब्रेड भाई को ले लेता हूँ मैं, फनल्स तो नहीं लेने वाला। एंड वेट अ सेकेंड, ये ब्लू आइस इसको भाई हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि इसका घर फिर से बनाना पड़ेगा ना, हम तोड़ रहे हैं तो भाई बनाना भी तो पड़ेगा। वैसे मैं चाहूँ तो नहीं बनाऊँ, क्यों बनाऊँ भाई। चलो, इसको भाई देख लिया। एंड इस रवेन को हम कभी ना कभी एक्सप्लोर करेंगे, कभी ना कभी क्या भाई, नेक्स्ट एपिसोड में कर लेंगे अगर आप लोग बोलो तो। आप लोग गाइस कमेंट में बताना, क्योंकि इसके अंदर हमको डायमंड्स मिल सकते हैं। एंड मैं अपने भाई डायमंड की पिकैक्स ये सब लेके आया हूँ। एंड अभी भाई अपना लूट करना कंटिन्यू करते हैं, इस रवेन के चक्कर में हम तो खो ही गए। ओके, कौन सा घर बचा था भाई, ये घर लूट लिए क्या? इस घर पे तो कुछ है ही नहीं लूटने लायक। ये देख रहे हो, ये वुड ऐसे रखा है, मेरे को लगा चेस्ट रखा है भाई। लॉल, अभी थोड़ा बहुत और घूमते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना हमको। ये वाले घर में क्या है देखते हैं गाइस। सो इस घर में भी भाई कुछ नहीं है, इसको बंद करो भाई। इस वाले घर पे देखते हैं, इधर भाई कुछ मिलेगा? यहाँ पे कुछ नहीं भाई। यहाँ पे कैट्स भी है गाइस, वाइट कैट्स भी है। चलो इस वाले घर पे देखते हैं, यहाँ पे दो दो घर है। यहाँ पे भी एक ब्लास्ट फर्नेस है, इसको भी निकाल लो क्या? नहीं जाने दो भाई। वेट वेट, चेस्ट दिखा, चेस्ट दिखा, ये रहा। ओ तो चलो यार, कम से कम 3 आयरन तो मिल गए। ब्रेड ब्रेड दे दे के भाई पका के रखा था इन लोगों ने। चलो आखिरकार एक आयरन, मतलब 3 आयरन मिले। एंड रात होने वाली है क्या, ऐसा लग रहा है मेरे को। कोई नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं भाई, यहाँ पे एक सिंगल बेड है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। रुइंड पोर्टल तो हमने पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, और क्या बचा है गाइस देखते हैं। एंड इस वाले रूम में कुछ है, लेट्स सी गाइस। इधर भी कुछ नहीं है। एंड इधर भी, ये तो वही कमरा है ना गाइस, इसके अंदर ये वाला पता नहीं क्या पड़ा रहता है। एंड मेरे यहाँ यार रेनफॉल होने लगी, बारिश होने लगी है, तो बैकग्राउंड में अभी बहुत तगड़ी वाली नॉइस आने वाली है, तो भाई प्लीज़ उसको इग्नोर करना। इस वाले घर के अंदर चलते गाइस, इसके अंदर क्या है भाई? यहाँ पे गाइस दो दो ये है, एक बाहर पड़ा है एंड एक अंदर पड़ा है, रिपेयर एंड डिसइंचेंट वाला। एंड इसके अंदर मेरे को मिला है गाइस एक आयरन चेस्ट प्लेट, बहुत सही यार। एंड 5 ऑब्सीडियन मिले इस घर से यार, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया हमको। 5 ऑब्सीडियन और आयरन चेस्ट प्लेट मिला यार, जितने भी चीज़ें मिले उन सब से तो सही ही था। इस पे देखे, इस पे क्या है, इस पे तो चेस्ट ही नहीं भाई, कंजूस है क्या, तो एक चेस्ट नहीं रख पाता। चलो भाई यहाँ चलते, गाजर की खेती हो रखी है बट मेरे को गाजर की ज़रूरत नहीं है। इस साइड चलते गाइस, इस साइड और क्या है, कितने सारे केव है लिटरली गाइस, मतलब केव्स की कमी नहीं है। देखो इधर भी एक केव है। एंड ये सब केव ना गाइस नीचे जाके उस रवेन, जो भी है रवेन, उससे कनेक्ट हो गए होंगे, मतलब कनेक्ट होते हैं शायद से। एंड अभी एक्सप्लोर करते गाइस ये बड़ा वाला घर जो सबसे यूनिक दिख रहा है। एंड इसके अंदर क्या है भाई? कुछ नहीं, मतलब भाई बस ये पड़ा हुआ है, ग्रीन स्टोन है, क्या कहते हैं भाई इसको, मैं भूल गया इसका नाम। कोई नहीं भाई, बाद में देख लूँगा, बट इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। सो गाइस अभी हमने भाई पूरा का पूरा विलेज जो है एक्सप्लोर कर लिया। वेट, पूरा नहीं भाई, ये बचा हुआ है। एंड इसके अंदर तो भाई कुछ है ही नहीं, मतलब दो फर्नेस पड़े और कुछ नहीं। इधर नीचे वाला घर भी बचा हुआ है, इसको भी चल के देखते हैं इसके अंदर, आई होप कुछ अच्छा मिल जाए। लेट्स सी, यहाँ पे भी एक ब्लास्ट फर्नेस। वेट चेस्ट भाई, चेस्ट रुको रुको, चेस्ट मिस हो जाता। ओके सो चलो भाई, फाइनली कम से कम एक एमलेट तो मिला हमको, इसको भी बंद करो। एंड यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे रैबिट्स घूम रहे हैं, वाइट रैबिट्स। ओके सारे घर हो गए ना, कौन सा कोई घर बचा है अभी?
ओके ये वाला बच्चा था। यहाँ पे गाइस हमको मिल चुके हैं ब्रेड एंड पोटैटोस। भाई जैसे ही चेस्ट खोला ना, भरा हुआ चेस्ट देख के मेरे को लगा कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ होगा, लेकिन क्या भाई ब्रेड और पोटैटो वही, मतलब इन लोग के यही रखते हैं भाई, कुछ और है ही नहीं इनके लिमिट में। कोई कोई विलेज में मैंने सुना है डायमंड मिल जाता है, भाई मेरे को तो आज तक नहीं मिला है, आपको मिला है तो कमेंट में बता देना। ओके सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, आई होप भाई आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ कि इस रवेन को एक्सप्लोर करें, आप लोग भाई इसके बारे में क्या कहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। गाइज आज की इस वाली एपिसोड में बस इतना ही, आई होप भाई आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक है मैं ओनली 150 लाइक्स, आई होप आप लाइक करके हम कंप्लीट करा दोगे। एंड अपने फ्रेंड्स को ये इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर से शेयर करना, कॉमेंट में बताना भाई आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। एंड गाइज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना, बिकॉज अभी तो और एपिसोड्स बाकी है। सो गाइज आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, हैव अ ग्रेट डे।